नमस्कार दोस्तों, आपको और जबरदस्त स्वागत है। मैं हूं आरजे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 और हुआवे के किरिन 810 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में मैं इन दोनों प्रोसेसर के बीच में जो एक फुल कंपैरिजन करने वाला हूं, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों प्रोसेसर में से आपका जो है कौन सा यहां पे बेस्ट देखने को मिल जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे यहां पे हो चुका है 30,000 व्यू कंप्लीट। अगर आपने मेरा दो दिन पहले का वीडियो देखा था तो वहां पे मैंने बता दिया कि 25,000 हो चुका है, और बहुत ही जल्द जो है 30,000 भी हो चुका है, 50,000 भी हो जाएगा बहुत ही जल्द। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते जाना। तो सीधा हम आते हैं टॉपिक पे, और यहाँ पे हम बात करते हैं हमेशा की तरह कैटेगरी वाइज। यहाँ पे सीपीयू, जीपीयू, एआई कनेक्टिविटी, डिस्प्ले, स्टोरेज, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, चार्जिंग, सबके अंदर एकदम देखेंगे, और अंत में आपको अपना फेयर ओपिनियन जो है दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीपीयू से। तो यहाँ पे जो आपको स्नैपड्रैगन का 855 है, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्रायो 485 वाले डिज़ाइन के सीपीयू, जहाँ पे ये एक ऑक्टा कोर सेटअप है, जिसके चलते आपको जो है जैसा डिज़ाइन मिला मैं आपको बताता हूँ। पहला आपको हाइपर कोर मिलेगा, दूसरा आपको एक अलग से हाइपर कोर मिलेगा, और बाकी के 6 आपको यहाँ पे लो पावर कोर मिलेंगे। यहाँ पे जो पहला हाइपर कोर है वो काम करते हैं आर्म कॉर्टेक्स A76 के ऊपर 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पे, ये हुआ पहला हाइपर कोर। दूसरा जो हाइपर कोर है वो यहाँ पे काम करते हैं सेम आर्म कॉर्टेक्स A76 के, लेकिन क्लॉक स्पीड थोड़ा सा कम है, यहाँ पे क्लॉक स्पीड है 2.42 गीगाहर्ट्ज़ का। और बाकी के जो 6 लोअर कोर है वो यहाँ पे काम करते हैं आर्म कॉर्टेक्स A55 पे 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे। अब ये जो प्रोसेसर है ये यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर हम बात करते हैं हुआवे के किरिन 810 की, तो यहाँ पे भी आपको मिलता है एक ऑक्टा कोर सेटअप, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग मिलता है, दो हाइपर कोर्स और 6 जो आपको लोअर कोर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाइपर कोर है वो यहाँ पे काम करते हैं आर्म कॉर्टेक्स A76 के ऊपर 2.27 गीगाहर्ट्ज़ पे, और बाकी के जो 6 लोअर कोर है वो यहाँ पे काम करते हैं आर्म कॉर्टेक्स A55 पे 1.88 गीगाहर्ट्ज़ पे। अब ये जो प्रोसेसर है ये भी यहाँ पे सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है फैब्रिकेशन किया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर का। तो यहाँ पे जो सीपीयू के मामले में दोनों आप एकदम इक्वल बोल सकते हो, मैं अंत में जाकर आपको सारे जो चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीपीयू की, तो जो स्नैपड्रैगन का 855 है इसके अंदर आपको मिलता है एड्रीनो का 640 वाला जीपीयू, जो कि अब तक का लेटेस्ट है मोबाइल फोन्स के अंदर, मतलब क्वालकॉम जो जीपीयू डिज़ाइन करता है उसके अंदर आपको जो है लेटेस्ट एकदम देखने को मिल जाता है एड्रीनो 640 वाला जीपीयू। लेकिन अगर हम बात करते हैं किरिन 810 की, तो इसके अंदर आपको मिलता है मालिका G52 वाला जीपीयू, जो कि आप बोल सकते हो एड्रीनो 640 से नीचे ही है। अगर हम बात करते हैं एआई की, तो स्नैपड्रैगन के जो 855 है इसके अंदर आपको मिलता है 4th जनरेशन वाले मल्टी कोर क्वालकॉम एआई इंजन, जिसके चलते आप जो है जितने भी टास्क है एआई के सारे जो है एकदम कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे है फ्लैगशिप प्रोसेसर, और एआई का टेक्नोलॉजी भी बहुत ही नया है। अगर हम बात करते हैं इसकी डीएसपी, मतलब जो होता है हेक्सागन वाला, तो डीएसपी की, तो यहाँ पे है हेक्सागन 690 वाला डीएसपी, जिसके चलते जो है कमाल का आप एआई के टास्क वगैरह कर पाओगे। अगर हम बात करते हैं हुआवे के किरिन 810 की, तो इसके अंदर आपको मिलता है हुआवे की तरफ से आने वाला डेविन की टेक्नोलॉजी। अब मुझे पता नहीं ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको जो है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे खासे आप जो है टास्क वगैरह, बेसिक टास्क और कैमरा के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का 855 है इसके अंदर आपको मिलता है डिफॉल्ट X24 वाला मॉडेम, जिसके चलते आपका जो डाउनलोड स्पीड है वो यहाँ पे जाएगा 2 Gbps तक, और जो अपलोड स्पीड है वो यहाँ पे जाएगा आपका 316 Mbps तक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो Gbps और Mbps में बोल रहा हूँ इसका मतलब है गीगा बिट्स पर सेकेंड, नॉट गीगा बाइट्स। अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेसर की वाईफाई की, तो आपको इसके अंदर मिलता है वाईफाई का 6 वाला वर्जन, जो कि लेटेस्ट है, यानी 802.11ax, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में आपको ब्लूटूथ के अंदर भी लेटेस्ट 5.0 मिल रहा है। एनएफसी का सपोर्ट भी जो है आपको इस क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 855 में भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं किरिन के 810 की, तो इसके अंदर आपको मिलता है कैटेगरी 21 वाला मॉडेम डाउनलोड के लिए, जहाँ पे आपको जो स्पीड है वो जाएगा यहाँ पे 1.4 Gbps तक, और अपलोड के अंदर आपको मिलेगा कैटेगरी 18 वाला मॉडेम, जिसके चलते आपको जो अपलोड स्पीड है वो यहाँ पे जाएगा 250 Mbps तक। अब ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर आपको वाईफाई 6 नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको वाईफाई 5 वाला वर्जन मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड है 802.11ac। ब्लूटूथ के अंदर आपको लेटेस्ट मिलता है 5.0, और एनएफसी का सपोर्ट इस प्रोसेसर में भी आपको जो देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरा की, तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का 855 है इसके अंदर आपको मिलता है स्पेक्ट्रा 380 वाला ISP, बोले तो इमेज सिग्नल प्रोसेसर, जिसके चलते आप जो है डुअल में लगा पाओगे 22+22 मेगापिक्सल तक का कैमरा, और सिंगल में लगा सकते हो 48 मेगापिक्सल तक का कैमरा। लेकिन जो हुआवे का किरिन 810 है इसके अंदर आप लगा सकते हो डुअल में 40+24 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन सिंगल का मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि
ऑफिशियल पेज जो था वहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का 855 है, इससे आप जो निकल पाओगे एक कमाल के वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि एकदम हाईएस्ट जो कि है 4K 60fps वाला, बड़े आसानी से इसको जो निकल पाओगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं किरिन के 810 की, तो इसके अंदर जो है 4K में 30fps निकल सकते हो और फुल HD में आप 60fps निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्ले सपोर्ट की, तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का 855 है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 4K अल्ट्रा HD वाला डिस्प्ले का सपोर्ट, बोले तो एकदम लेटेस्ट। और इसके अंदर आपको जो है HDR 10 प्लस की भी डिस्प्ले की जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किरिन के 810 की, तो इसके अंदर आपको मिलता है फुल HD प्लस की डिस्प्ले की रेजोल्यूशन का सपोर्ट, जहाँ पे आपका जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे निकल के आता है 2340x1080p का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चार्जिंग टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का 855 है इसके अंदर आपको मिल जाता है क्विक चार्ज 4 प्लस का सपोर्ट, जो कि एकदम लेटेस्ट है। और अगर हम बात करते हैं किरिन 810 की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 40 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट, बोले तो शायद मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ कि हुआवे ने इसको क्या मतलब जो फ्लैश चार्जर, शायद इसको फ्लैश चार्जिंग बोलता है, लेकिन जितना भी है आपको जो 40 वाट वाला चार्जर का जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं लास्ट चीज़ की, जो कि यहाँ पर है मेमोरी एंड स्टोरेज, तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का 855 है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है LPDDR4X वाले रैम की सपोर्ट, जहाँ पे आप लगा सकते हो 16GB तक का रैम, बोले तो एकदम हाईएस्ट अब तक, मतलब कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको 16GB का रैम मिलता है, हाईएस्ट तो शायद 12GB वाला ही था। और इस प्रोसेसर में आपको देखने को मिल जाता है UFS 3.0 का सपोर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है। अगर हम बात करते हैं किरिन 810 की, तो इसका स्टोरेज सपोर्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल पेज पे कुछ नहीं था। लेकिन अगर हम बात करते हैं रैम की, तो उसके अंदर आपको जो LPDDR4X वाला रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन सिर्फ 8GB तक। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको दोनों प्रोसेसर के अंदर जितने भी सारे स्पेक्स वगैरह थे उसको मैंने पढ़ के आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंक्लूजन की, इन दोनों में से आपको जो है कौन सा यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो CPU था उसके अंदर आप दोनों को एकदम सेम ही बोल सकते हो, एकदम इक्वली बोल सकते हो, क्योंकि जो डिज़ाइन है वहाँ पे सेम है, दो हाई पावर है A76 वाले, 6 लो A55 वाले। सिर्फ जो क्लॉक स्पीड है वो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 855 का थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए जो है यहाँ पे CPU के अंदर जो है 855 थोड़ा सा यहाँ पे आगे निकल जाता है। फैब्रिकेशन प्रोसेस भी आपका सेम है 7 नैनोमीटर। अगर हम बात करते हैं GPU की, तो क्लियर विनर यहाँ पे जो है स्नैपड्रैगन 855 हो जाता है, Adreno 640 वाला GPU। AI के अंदर भी आप सेम बोल सकते हो। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो मैं एक पार्ट यहाँ पे मिस कर दिया कि 855 में आपको जो है 5G का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप क्वालकॉम के अलग से X50 वाला या फिर X55 वाला मॉडल यूज़ करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो इसके अंदर भी जो है 855 विनर है। अगर हम बात करते हैं कैमरे के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अगर सिंगल पता होता मुझे किरिन 810 का, तो मैं उसको विनर बोल देता, लेकिन क्योंकि मुझे सिंगल नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल पेज पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे फिर से स्नैपड्रैगन 855 जो है विनर हो जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी यहाँ पे 855 विनर है, डिस्प्ले के अंदर तो कोई सवाल ही नहीं है, सीधा का सीधा 855, और मेमोरी एंड स्टोरेज के अंदर भी 855। तो यहाँ पे अगर आप सारी चीज़ें देखोगे, तो क्लियर विनर जो है आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 855 नज़र आएगा। तो बस दोस्तों, यही था वीडियो। अगर आपको कोई भी मतलब जो डाउट वगैरह होता है वो अगर था, उम्मीद है कि मैंने आपका वो क्लियर कर दिया है, और यहाँ पे क्लियर विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन का 855। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के उस ऑल वाले बटन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगले वीडियो में नई वीडियो साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और हमेशा स्मार्ट रहिए।